हाय फ्रेंड, चलिए आज टेबल कवर डिजाइन बताएंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहले गाँठे लगा लेंगे हम। गाँठे लगाने के बाद से हम चेन करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, फाइव चेन कर लेंगे। और फर्स्ट वन में हम इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। ज्वाइंट करके यहाँ पे फिर एक, दो, तीन, थ्री चेन कर लेंगे। डबल फंदे लेंगे हम और सेम होल में ही हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। तो हम ट्रिपल क्रोशिया से डबल फंदे ले लेके बना ले रहे हैं ऐसे। इसके बाद से अब हम यहाँ चेन करेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, फाइव चेन कर लेंगे। फिर डबल फंदे लेंगे, फिर सेम होल में सेम जगह पे ही बनाएंगे हम फिर से तीन ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद से फिर से हम फाइव चेन कर लेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, फिर फाइव चेन कर लेंगे। फिर डबल फंदे लेके फिर से बनाएंगे। तीन तीन एक पास बनाना है हमें, थ्री थ्री एक पास बनाना है और मिडिल में फाइव चेन कर लेना है। फिर फंदे लेके फिर एक और एक जगह और बना लेते हैं हम थ्री ऐसे। डबल डबल फंदे ले लेके बना लेंगे हम। उसके बाद फिर से हम फाइव चेन कर लेंगे। फाइव चेन करके इसमें फर्स्ट वन में हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं ज्वाइंट करके। देखिए अब इसके बाद से हम वाइट कलर से बनाएंगे। तो गाँठे लगा के जो चेन किए हैं इसमें हम ज्वाइंट करेंगे फर्स्ट। और यहाँ पर हम फर्स्ट चेन करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, फाइव बना लिए चेन। तीन बनाए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया ट्रिपल डबल क्रोशिया के लिए। और उसके बाद फिर डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर यहाँ पे फाइव चेन कर लेंगे हम। फाइव चेन करके फंदे लेके फिर यहाँ डबल क्रोशिया ऐसे बना लेते हैं। फिर इधर थ्री चेन करेंगे। जैसे इधर थ्री चेन के लिए किए हैं थ्री चेन और टू और चेन करके फाइव बनाए, ऐसे इधर थ्री चेन करके और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक, दो, तीन चेन कर लेंगे और इधर दूसरे वाले में हम फिर ज्वाइन कर लेंगे हम एक से दूसरे जगह। फिर तीन चेन कर लेंगे यहाँ पे, सॉरी थ्री चेन, और थ्री चेन करके फंदे लेंगे। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, फाइव चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे। फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। फिर एक, दो, तीन फंदे लेंगे। फिर नीचे ऐसे एक डबल क्रोशिया, एक जगह चार डबल क्रोशिया बनेगा। फिर थ्री चेन करेंगे और फिर दूसरे वाले में चले जाएंगे दूसरे चेन में। सेम ऐसे ही बनाते जाना है। फिर यहाँ पर थ्री चेन कर लिए, फंदे लेंगे। फिर एक और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर फाइव चेन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर फाइव चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे। फिर सेम जगह पे ही फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर थ्री चेन कर लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। तो फिर एक, दो, तीन चेन करेंगे और फिर दूसरे वाले चेन में फिर चले जाएंगे। फिर थ्री चेन करके फिर डबल क्रोशिया बना के फिर फाइव चेन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फिर फाइव चेन कर ले रहे हैं और उसके बाद फिर फंदे लेंगे। फिर एक और बना लेंगे यहाँ पे। फिर थ्री चेन करेंगे, फिर नीचे ज्वाइन कर लेंगे डबल क्रोशिया बना के। और उसके बाद थ्री चेन करेंगे यहाँ पे और फर्स्ट वन में हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये फर्स्ट जो बनाए हैं यहाँ पे थ्री छोड़ देंगे चेन और यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे हम। ज्वाइंट करके इसे कट कर लेंगे हम। अब इसे हम बैक साइड ऐसे लगा देंगे इसमें धागे को।
एक्स्ट्रा कट करके निकाल देते हैं ऐसे। अब सेम ऐसे ही बनाएंगे इसमें और जॉइंट करेंगे। तो हम दूसरा एक और बनाएंगे, ऐसे दोनों साइड जॉइंट होगा। तो बना ले रहे हैं, ऐसे बनाते जाएंगे, जॉइंट करते जाएंगे। फिर फर्स्ट वन में ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर फाइव चेन कर लेंगे यहाँ पे, थ्री डबल क्रोशे के लिए और दो ऐसे एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक दो दो चेन कर लेंगे और इसमें ये दोनों साइड मिडिल में जो फाइव फाइव चेन का बनाए हैं हम, ये यहाँ पे जॉइंट करना है। तो ऐसे लेके हम इसमें जॉइंट कर लेंगे, फिर दो चेन कर लेंगे और फिर नीचे जॉइंट कर लेंगे हम। फिर थ्री चेन करेंगे यहाँ, थ्री चेन करके फिर नीचे एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन करके और ये मिडिल में जो हम बनाए हैं ये थ्री चेन उसमें जॉइंट करना है। तो एक चेन करके यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, फिर एक चेन कर लेंगे और फिर फंदे लेंगे और फिर दूसरे चेन में चले जाएंगे ऐसे। फिर यहाँ पर एक दो तीन फंदे लेंगे और फिर नीचे फिर से हम जॉइंट कर लेंगे, फिर एक दो चेन करेंगे, फिर इधर ये बीच में जो है फाइव चेन वाला इसमें जॉइंट कर लेंगे। दो चेन करके ही जॉइंट करना है, फिर दो चेन कर लेना है और फिर नीचे दूसरे साइड फिर हम इधर बना लेंगे। फिर एक दो तीन चेन, फिर नीचे और उसके बाद फिर से तीन चेन बनाएंगे हम, एक दो तीन चेन और फिर यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर फाइव चेन कर लेंगे हम, फाइव चेन करके और फिर से तीन चेन करेंगे और फिर नीचे जॉइंट करेंगे। एक होल में हमें एक साइड तीन, फिर फाइव चेन और फिर थ्री चेन करना है, फिर थ्री चेन करके दूसरे में जाना है, ऐसे ही बनाना है। फिर यहाँ थ्री चेन करके और फिर बना लेंगे, फिर फाइव चेन कर लेंगे वहाँ पे, फिर इधर हम जॉइंट कर लेंगे। देखिए अब ऐसे ही हम इसमें और बनाते जाएंगे और जॉइंट कर लेंगे। तो आपको जितना बड़ा चाहे आप बना सकते हैं। तो हम और दो जॉइंट करके फिर दूसरे साइड जॉइंट करने को आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे फोर जॉइंट किया है और इस साइड अब जॉइंट करने को हम दिखा रहे हैं। तो ये भी सेम ऐसे ही बनेगा और जॉइंट होते जाएगा इसमें। बांध लेंगे फिर तीन चेन फाइव चेन करके और फिर नीचे बना लेंगे। उसके बाद फिर से हम दो चेन करेंगे और वो इधर ये कोने पे जो है फाइव चेन का इसमें जॉइंट करेंगे हम मिडिल वाले पे ऐसे। फिर दो चेन कर लेंगे और फिर नीचे बना लेंगे हम इसमें ऐसे। फिर तीन चेन कर लेंगे, फिर नीचे बनाएंगे और फिर अब हम यहाँ पे एक चेन कर लेंगे, एक चेन करके और दूसरे ये जो फ्लावर है जिसमें हम जॉइंट कर रहे हैं इसमें बीच में हम जॉइंट कर लेंगे। फिर एक चेन कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे दूसरे वाले में जॉइंट करेंगे और फिर तीन चेन करेंगे यहाँ पे, एक दो तीन, थ्री चेन करके फिर फंदे लेके फिर एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। फिर हम एक चेन दो चेन कर लेंगे, दो चेन करके फिर इधर ये दोनों जॉइंट किए हैं उसके बीच में यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। देखिए ये दोनों जॉइंट है उसके बीच में हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे मिडिल से ऐसे लेके जॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे हम यहाँ जॉइंट कर ले रहे हैं, फिर दो चेन कर लेंगे, फिर नीचे हम जॉइंट करेंगे, फिर तीन चेन करेंगे, फिर यहाँ बना लेंगे। फिर उसके बाद से एक दो तीन चेन करेंगे, फिर दूसरे वाले में चले जाएंगे बनाने हम। फिर तीन चेन करेंगे और फिर से हम नीचे बनाएंगे, जॉइंट करेंगे यहाँ पे डबल क्रोशे बना के। फिर एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन कर लेंगे, फिर नीचे हम ऐसे फिर से डबल क्रोशे बना ले रहे हैं। फिर तीन चेन कर लेंगे, फिर एक और डबल क्रोशे इसमें बना ले रहे हैं। तो सेम जैसे पहले बनाए हैं वैसे ही बनाना है पूरा। और फिर तीन चेन करके फिर लास्ट वन में फिर जाएंगे हम ऐसे फंदे लेके एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
इसे हम ऐसे बना के रोटेट करते हैं। देखिए अब ऐसे बना। अब इसके बाद से एक और हम यहाँ जॉइंट करने को दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर जॉइंट होगा तो इसमें यहाँ मिडिल में, फिर यहाँ और फिर यहाँ जॉइंट होगा और ऐसे जॉइंट हो जाएगा। तो हम जॉइंट करने दिखा रहे हैं, इधर बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम दो चेन कर लेंगे और फिर ये जो है इसमें फाइव चेन वाले में हमें जॉइंट करना है। फिर दो चेन कर लेना है और फिर नीचे जॉइंट कर लेना है, फिर तीन चेन कर लेंगे और फिर हम नीचे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फोर हो गया। फिर एक चेन करेंगे और मिडिल में ये जो है बनाए हैं हम तीन चेन का, उसमें अब हम इसे जॉइंट कर लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पे दूसरे वाले में बनाएंगे, फिर तीन चेन करेंगे और फिर एक और बना लेंगे यहाँ डबल क्रोशिया। फिर दो चेन करेंगे और ये देखिए ये तीनों जॉइंट है जहाँ यहाँ पर हमें जॉइंट करना है, दिखा देते हैं। ये देखिए तीनों जॉइंट है, यहीं पे अब जॉइंट करना है हमें। तो यहाँ पे मिडिल में हम ऐसे इसे लेके जॉइंट कर लेते हैं, तो चौथा हो जाएगा यहाँ पे। फिर दो चेन करके फिर नीचे हम फिर से जॉइंट कर ले रहे हैं, फिर से देखिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे तीन चेन करेंगे, एक और नीचे हम ऐसे बना लेंगे, फिर एक चेन करके और ये दूसरा फ्लावर है इसमें मिडिल में हमें जॉइंट करना है ऐसे। फिर एक चेन करेंगे और फिर इधर स्टोल में इधर बना लेते हैं, फिर तीन चेन से करके फिर नीचे बना लेंगे और फिर एक दो चेन करेंगे और ये दूसरे लाइन में का ये दूसरे के बगल में है जो जॉइंट दो, इसमें अब जॉइंट कर लेना है हमें कि इसके सामने सामने आ जाए। इसके लिए अब यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे और फिर दो चेन कर लेंगे, फिर नीचे ऐसे ला के हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर तीन चेन कर लेंगे, हम तीन चेन करके फिर से हम बनाएंगे और फिर तीन चेन करके और फर्स्ट टर्न में हम फिर जॉइंट कर लेंगे इसे ऐसे जॉइंट करके अब कट कर ले रहे हैं हम। तो ऐसे ही अब इसे हम निकाल ले रहे हैं, देखिए सेम अब ऐसे ही बनते जाएगा। आपको जितना बड़ा चाहे जैसा चाहे आप बना सकते हैं, सेम ऐसे ही बनते जाएगा। ये सब डिज़ाइन ऐसे आएगा, फिर यहाँ जॉइंट होगा, यहाँ जॉइंट होगा, यहाँ और यहाँ जॉइंट होगा, फिर ऐसे बन जाएगा। तो सेम ऐसे ही बनेगा, आप जितना बड़ा चाहे जो चीज़ के लिए चाहे बना सकते हैं, टीवी कवर, टेबल कवर या ब्लैंकेट, जो भी चाहे बना सकते हैं। डिज़ाइन कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।